नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। तो फिर आज हमारे साथ हैं मालिका रिसर्चर श्री कुलीन बिहारी पंडा जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ। तो दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है, तो पंचखा और खास करके संत अच्युतानंद दास ने क्या लिखे हैं पाकिस्तान के बारे में, आगे चल के पाकिस्तान का क्या होगा हालात, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार भक्तवृंदो, भक्त प्रेम माने, पाकिस्तान के बारे में पंचखा अच्युतानंद बलराम दास इत्यादि जो पांच थे सखा, तो बहुत कुछ लिखा है उसमें बारे में। उसका सेंट्रल आइडिया है, ये है मुख्य प्रसंग है, बिल्कुल, कि पाकिस्तान विल नॉट बी, पाकिस्तान रहेगा नहीं, पाकिस्तान बोल के कोई राष्ट्र रहेगा नहीं। अच्छा, मतलब पाकिस्तान का बिल्कुल नामो निशान जो है मिट जाएगा। मिट जाएगा, जैसे पहले भारत था, भारत ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, यानी पाकिस्तान हो सकता है तो भारत में भी विलय हो जाएगा। अच्छा, कैसे विलय होगा, क्यों विलय होगा? लेकिन एक बात मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे विलय होगा, क्यों होगा, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आज से लगभग 500 साल पहले हमारे जो महान संत हैं पंचखा, उन्होंने बहुत सारे विषय पर उन्होंने लिखे थे भविष्यवाणी, जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी का। तो खास करके पाकिस्तान देश के बारे में कुछ लिखा गया था क्या? क्योंकि उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हुआ था लगभग 1947 में। क्या लिखा था, अगर आपके पास कुछ है डाटा तो एक बार बोल के सुना दीजिए। देखिए, संत अर्खित दास जी, उसका है महागुप्त पद्मकल्प, ग्रंथ का नाम है महागुप्त पद्मकल्प जी। मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पंचखाओं ने जो भविष्य के बारे में लिखे हैं, खाली पंचखाओं ने भी नहीं, पंचखाओं को मिलाकर 17 महान संतों ने भविष्य के बारे में लिखे हैं, आगे चल के क्या होने वाला है। उन्हीं में से एक है संत अर्खित दास। तो आइए सुनते हैं संत अर्खित दास जी ने क्या लिखे हैं पाकिस्तान के बारे में। उसका एक थी, मैं बताना चाहता हूँ पहले जी, पंचखा लिखा है, बाकी जो 16 संत थे पंचखा मिला के, सब लिखे हैं कि पाकिस्तान विलय होगा। अच्छा, भारत में अर्खित दास के बात क्यों मैं पढ़ता हूँ आज, वो कुछ दूसरा लिखे हैं। अच्छा, वो कुछ डिफरेंट लिखे हैं। डिफरेंट, हाँ जी। ये पाकिस्तान डिपेंड करेगा, अनुताप करेगा भारत के साथ, क्यों ऐसा किया बोल के, और वो रूसिया और अमेरिका पास पे जाके शरण जाएगा, वह आप था इंडिया भारत को समझाइए, हमको नाश मत करिए, और भारत उसको अपना भाई से मानेगा। ये उसका ये, इसको उड़िया में पढ़ देता हूँ, फिर बाद में उसको हिंदी बोल दूंगा। पाकिस्तान राज्य गोटा छारा खारा हेबो, पछ बेलू पुणी बुद्धिदेश पूरब, दोष करी परे पुणी अनुताप करी, क्षमा भिक्षा करने को आसवे बाहरी, आमेरिका रुषिया जे आगमर हेबे, तांकरी पाखरे जाई गुहारी करिबे, ईरान जापान पुणी यही सुजोगे बड़े माड़ी बस बसे केका राज्य भारत एति बेले मध्यस्था कर पाकिस्तान भाई बोली शेष मानव जी। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान छिनबिन हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं उसमें। उस टाइम में उसका दिमाग में सोच आएगा, मैं क्यों ऐसा किया, अनुताप करेगा वो जाके अमेरिका रशिया के पास पहुंचेगा, उसको जब बोलेगा कि उसको रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा, भाई मुझे बचा लो, भाई हमको बचाओ। हाँ, रशिया अमेरिका वो भारत को समझाएंगे, सलाह देंगे कि ये काम नहीं, इसको भारत को जाके क्षमा मांग लो, क्षमा लो, वो आके क्षमा मांगेगा और इंडिया उसको भाई हिसाब से ग्रहण करेगा। अच्छा, ये है उसका मेन। अच्छा, इसका जो मेन सारांश है लगभग यही है ये। जी, तो क्या है तो भारत, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई युद्ध के सिचुएशन, शायद उसके बारे में शायद थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ा युद्ध, महायुद्ध, क्योंकि भारत जो है मध्यस्थ करेगा,
मतलब भारत जो है मीडिएटर यहाँ पे वो यहाँ पे वो कहीं वो लिखा है ना जिस लास्ट पोजीशन ऑफ द वर युद्ध का शेष समय ये है वर्ल्ड वॉर का जब ये पाकिस्तान जब मतलब तो मुस्लिम कंट्री उस टाइम में डिफीटेड हो गए होंगे जापान और इंडिया ईरान ये दोनों कंट्री उसका सुजोग लेंगे वो जाके दूसरा स्टेट को अटैक करके उसको कैप्चर कर लेंगे उसी टाइम में इंडिया का रोल रहेगा भाई जो हो गया और मत करो बंद करो भाईचारे में रहो बट ईरान विल बी डिस्ट्रॉयड ईरान विल बी डिस्ट्रॉयड ईरान जो पापा कर जो पाप किया होगा जगन्नाथ जी के पास पूरी धाम में जो पाप किया होगा उसके लिए वो खत्म होगा क्या पाप क्या किया होगा जगन्नाथ मंदिर का जो अटैक होगा उसमें अच्छा उसमें जो प्रमुख भूमिका है वो ईरान का रहेगा ईरान का है अच्छा अच्छा तो इसका मतलब है कि जो मालिका में लिखा गया है कि तेरा इस्लामिक कंट्री मुसलमान राष्ट्र एकजुट होकर भारत के विपक्ष में हिंदुस्तान के विपक्ष में हमला करेंगे या फिर कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसमें भारत का नुकसान तो होगा ही बहुत नुकसान होगा ये लगभग कब की बात है मतलब हमारे दर्शक बार बार जाना चाहते हैं ये आप जो बोल रहे हैं ये लगभग कब की बात है जब मिनसन आएगा मिनसन योग योग आएगा जी उसके बाद ये सब घटेगा तो मालिका में लिखा गया है कि मिनसन योग के बारे में हर 30 साल में एक बार आता है मिनसन का योग तो इस बार जो मिनसन का जो योग आ रहा है वो लगभग 2025 में आ रहा है तो और युद्ध चलेगा कितना साल युद्ध 2000 आप जो बोल रहे हैं ना युद्ध के अंतिम कालखंड में ये होगा हाँ, तो युद्ध लगभग कब तक चलेगा है आपका 24 एंड में आएगा 24 एंड हाँ 25 एंड 26 एंड 27 और मिडिल अच्छा 27 मिडिल हाँ अराउंड अप्रैल में अप्रैल हाँ, अप्रैल 27 जी उस समय होगा हाँ 27 का 2027 का पहला भाग में एंड में मिशन जो खत्म होगा स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा उसी के बीच में सब हो जाएगा तभी की बात है ये अच्छा एक बात ये बताइए अभी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हालात हैं धारा 144 वहाँ पे इम्पोज किया गया है जल रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे शहर खाली उतना ही नहीं इंटरनेट वहाँ पे शटडाउन है स्कूल कॉलेज वहाँ पे बंद किए गए हैं तो ये जो गृह युद्ध की ओर पाकिस्तान को ढकल दिया गया है पाकिस्तान जा रहा है तो इस पर अगर हम गौर से देखेंगे तो भारत के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर पड़ सकता है क्या सुनिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ असर पड़ सकता है क्या अतुल अतुल जी ग्रंथ में एक प्रमाण दिया है संत अच्युतानंद दास जी ने हाँ जी और ये लिखा है पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा गृह युद्ध के कारण वो इंडिया का अटैक करेगा गृह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा तब वो इंडिया का अटैक करेगा अच्छा ऐसा लिखा गया है डायरेक्टली हाँ, पाकिस्तान में जब गृह युद्ध की परिस्थिति बन जाएगा तब उस समय वो भारत के खिलाफ अटैक करेगा अटैक करने की सोच रहे हैं अच्छा तो क्या है इसमें अभी जो चलता है उस पर इज नॉट अगेंस्ट भारत के विरुद्ध में नहीं है कुछ इसमें भारत के विरुद्ध में कुछ नहीं है लोगों का असंतोष से खाने का नहीं मिलता है कपड़ा नहीं मिलता है पहनने के लिए हाँ जैसे उनका मतलब अभी जो हालत बहुत खराब है आर्थिक स्थिति जो है काफी खराब है बहुत खराब है उन लोग का हालत उसी टाइम में इमरान को गिरफ्तार करा लिया तो सब बुरा सब गुस्सा इकट्ठे हो गया अच्छा अच्छा वो लोग क्या जिन्ना जो गुस्सा था मोदल जिन्ना जो पाकिस्तान क्रिएट किया था इसके लिए पाकिस्तान अब है उसको घर को जाके इसको तोड़फोड़ कर दिया हाँ उसमें उसके अंदर जाके उन्होंने तोड़फोड़ किए थे उसका ग्रुप आर्मी का ग्रुप कमांडर घर में जाके तोड़फोड़ किया ग्रुप कमांडर घर पे भी जाके आर्मी का जो आपका उनका जो गेस्ट हाउस उसको जला दिया उसका मेस जला दिया बहुत प्रॉपर्टी का तो काफी नुकसान हुआ है काफी नुकसान हुआ है जी 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 इसीलिए लोग का गुस्सा जो बन रहा था वो निकल गया बाहर उभर के आ रहा है उभर के आ रहा है बाहर आ रहा है जी तो क्या है इसके तो पीछे फिर ये तो पाकिस्तान का ही तो आंतरिक मामला हुआ ना आंतरिक मामले पूरा अगर ये आंतरिक मामला है तो फिर भारत हिंदुस्तान पर उसका फिर कैसे असर पड़ेगा मतलब वो समस्या बाहर है क्योंकि चाइना इसके पीछे है अच्छा ये जो आंतरिक उनका जो कुछ हुआ है हालात जो बिगड़ा है हाँ। उसके पीछे जो है चाइना है चाइना क्यों बोलता हूँ
ये तो गंडोल एक जो होता है अभी गंडोल हुआ उधर इतना सब हो रहा है, इसलिए हो रहा है दिक्कत कहीं, क्योंकि इमरान खान को अरेस्ट किया गया जी। इमरान खान का अरेस्ट के पीछे चाइना का हाथ है। कैसे? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है इमरान खुला रहे, खाली बाहर में फ्रीली बुले, फ्रीली वो चाल बुल करे या अपना लाइफ मेंटेन करे, पॉलिटिक्स करे, राजनीति करे, फिर पावर में आए, वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहता है, उसमें चाइना को क्या खतरा है? उसका मतलब है क्योंकि उसका जो परियोजना है पाकिस्तान में रोड जो बनाता है बलूचिस्तान, उसको बलूचिस्तान अपोज करता है। और इमरान खान बलूचिस्तान का है, अपना जगह है वो जी, तो उन लोग को सपोर्ट करेगा ये, इसलिए वो चाइना के अगेंस्ट में है। वो नहीं चाहता कि ये सब चले, और वो जानते हैं अच्छा तरह कि पाकिस्तान का अभी का हालात चाइना के लिए है, और ऐसा चलता रहा तो आगे चल के और भी बुरा हाल हो सकता है, और बुरा हो जाएगा, खाना के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो है, फैक्ट है। तो ये जो मतलब है इमरान का जो पॉलिसी है उसको चाइना नहीं चाहता ऐसा हो बोल के, तो उसका प्लानिंग और अनुसार इमरान खान को अरेस्ट किया गया। ओके, ये अरेस्ट होकर जेल में रह गया तो वो देखा है, मैंने पहले देखा है जब मिलिट्री ऊपर आता है तो लोग डर जाते हैं पाकिस्तान में, कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं डर के, तो उसने इससे भी ऐसा ही होगा, ये थोड़ा बहुत रास्ता पर आ जाएंगे, दो चार गोली खाएंगे फिर सब बंद हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट हुआ, जस्ट उल्टा हुआ उसका। लोगों को जो गुस्सा इतना ऊपर आ गया कि मिलिट्री भी कांपने लगा, वो कोई नहीं सोचता कि ऐसा होगा बोल के। आज तो उसको हाईकोर्ट रिहाई कर दिया, एक सुप्रीम कोर्ट, कल फिर उसको हाईकोर्ट को जाना है, जिसके लिए गया था हाईकोर्ट को जहाँ से अरेस्ट हुआ वो, कल हाईकोर्ट का क्या आता है राय आता है वो तो देखने वाला बात है, उसका पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो आंतरिक मामला जो पाकिस्तान का अभी धीरे धीरे बिगड़ रहा है तो वो भी भारत के लिए आने वाले समय में खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान हिस्ट्री ऐसा ही है, जब उसका आंतरिक मामला होगा तो इंडिया का अटैक करेगा। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आने वाला जो समय है तो दिल्ली पर भी कुछ हमला ऐसा कुछ हो सकता है क्या? दिल्ली पर हमला होगा, पहले होगा, उधर स्टार्टिंग में होगा, पहले होगा।